समय जाती है हर साल, इस बार कितना ऑर्डर आपको अभी तक मिला है, कितने अभी तक मूर्ति आप भेज चुके हैं और कहाँ कहाँ गया है? इस साल दुर्गा मूर्ति का ऑर्डर ज्यादा आया है, क्योंकि पिछले साल हमने जैसे 14 दुर्गा मूर्ति भेजे तो इस साल जो है 21 मूर्ति हमारा ऑर्डर मिला है। सबसे ज्यादा यूएसए में है, जैसे सियाटेल है, न्यू जर्सी है, शिकागो है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, ये सब जगह में इस साल दुर्गा मूर्ति ज्यादा पूजा हो रहा है। इसके अलावा कनाडा में है कैलगरी, इसके बाद जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे की शारजा में भी पिछले साल गया था, इस साल दुबई भी जा रहा है और सिंगापुर भी जा रहा है, न्यूजीलैंड जा रहा है और फ्रांस में भी जा रहा है। तो इस साल क्या है, यूनेस्को स्वीकृति मिलने का बाद तो ये दुर्गा पूजा सारा पृथ्वी में सब कंट्री में ही होता है, क्योंकि इस साल कुमारटुल में ऑर्डर भी आया है, जैसे कि 200 से करीब दुर्गा मूर्ति विदेशों में हम लोग भेजे हैं कुमारटुली का कारीगर, तो हमारा भी मूर्ति 14 मूर्ति ऑलरेडी निकल गया और 2 मूर्ति आज ही निकला है और अभी तक 4 मूर्ति अभी निकलने वाला ही है, जैसे ये मूर्ति स्विट्जरलैंड जाएगा, फिर और फ्रांस जाने का है, फिर फ्लाइट में भी जाएगा शिकागो में, तो ऐसे मिट्टी का मूर्ति भी एक जा रहा है सिंगापुर, तो इस टाइप का मूर्ति हम लोग को हर साल जो मिलता है ऑर्डर उससे इस साल ज्यादा है। देखिए कॉस्ट की बात करें तो मिट्टी का मूर्ति अगर इस साइज का मिट्टी का मूर्ति 40-50 इसका दाम होगा लोकल में मिट्टी का, तो फाइबर का कम से 3 गुना ज्यादा होगा, 1.5-2 लाख का ऐसे ही ऑर्डर आता है, फिर इसको ले जाने में 1-1.5 लाख का खर्चा है, मोटा मोटी वहाँ भेजने के लिए मूर्ति सही 3-4 लाख का बजट रहता है एक एक मूर्ति का। इससे बड़ा मूर्ति भी है, जैसे स्पेन में भेजा था इस साल सबसे बड़ा मूर्ति चला गया है, जो मूर्ति का हाइट था 7 फीट, उसका बैकग्राउंड लेके टोटल 10 फीट हाइट का, जैसे मूर्ति 5 फीट है इसका बैकग्राउंड लेके 7.5 फीट होगा, तो स्पेन में और यूएसए टेक्सास में भी इस साल बड़ा मूर्ति गया है। वो आर्टिस्टिक वर्क है ना, जो मेटेरियल अगर 100 रुपया लगेगा तो उसका मजूरी 200 रुपया लग जाता है, क्योंकि मिट्टी का बनाने के बाद थोड़ा डाई बनाना पड़ता है, फिर डाई से इसको फाइबर ग्लास में कास्टिंग करना पड़ता है, इसलिए इसको कॉस्ट ज्यादा पड़ता है, माने 100 रुपया मटेरियल का दाम होगा तो 200 रुपया इसका मजूरी लग जाता है। देखिए ज्यादा मूर्ति जो शिपिंग में जाता है ये सब हम लोगों का ऑर्डर दिसंबर जनवरी फरवरी में मिल जाता है, हम लोग मई जून जुलाई में सब मूर्ति डिलीवरी दे देते हैं, क्योंकि जहाज वाला जो एजेंट लोग ले जाते हैं कम से कम यूएसए जाने के लिए 3 महीना उन लोग टाइम लेते हैं, क्योंकि अभी तो जाने के लिए 50 दिन लगते हैं, फिर भी टाइम हाथ में रख के वो लोग ले जाते हैं, जो मूर्ति पूजा के नजदीक आ जाते हैं तो उसको फ्लाइट में भेजना पड़ता है। ऐसे हमने तो बहुत सारा मूर्ति 2000 साल से भेजा है, तो हमने कम से कम 4 जगह गया है, दुबई भी गया है, शारजा, सिंगापुर, इसके पहले काठमांडू भी गया था और जाने का बात चल रहा है, हर साल कोई ना कोई जगह जाना पड़ता है, जैसे कि ये मूर्ति वो लोग रख देते हैं पिछले साल इसको नया लुक देने के लिए सजाते हैं, तो इस सब साज लेके फिर हम लोग को जाके उसको पहनाना पड़ता है। हाँ अभी सिंगापुर से ही आए हैं, सिंगापुर में पिछले साल पूजा हुआ था, उस साल का मूर्ति का डेकोरेशन किया था, पिछले साल भी दुबई में गया था, उससे आगे भी काठमांडू भी गया था, ऐसा हम लोग कभी कभी जाना पड़ता है, क्योंकि सब कमेटी का बजट होता है तो उस बजट के हिसाब से हम लोग को ले जाते हैं। ये लोग ये ऑर्डर जो है ना डायरेक्ट आ जाता है, क्योंकि मान लीजिए यूएसए में जैसे पिछले साल में हमारा 3 जगह मूर्ति हम भेजे थे, तो वो पूजा कमेटी वहीं से हमारा नंबर लेते हैं, फिर डायरेक्ट संपर्क करते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर भी मिलते हैं, लेकिन क्या है इस मूर्ति का लिए भी बहुत सारे मिडिल मैन आ जाते हैं, तो मिडिल मैन के थ्रू कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग कभी मिडिल मैन के थ्रू नहीं बनाते, हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के ऑनलाइन जैसे होता है उस टाइप का ऑर्डर। देखिए प्रॉफिट की बात करें तो देखिए कुल लोग उस साल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता नहीं है तो हम लोग को चलेगा कैसे, क्योंकि हमारा तो ये 6 महीना सीजन है, 6 महीना बेकार है, तो पूजा के लिए जो मूर्ति बनता है
आस्ते आस्ते धीरे धीरे मतलब ये बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। बड़ा बड़ा थीम होता है, थीम होने से क्या है, बहुत सारा जो आर्ट कॉलेज का स्टूडेंट है इन लोग को काम मिलता है, और काम मिलने से क्या है, कोई बेकार नहीं रहता है, काम होता है। बंगाली दुर्गा पूजा फेस्टिवल अभी क्या है, एक तो वाणिज्यिक फेस्टिवल भी हो गया, क्योंकि बहुत सारे चीज यहाँ जरूरत पड़ता है। थीम का पैंडल होने से डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स लगते हैं, इसमें बहुत सारा कारीगर काम करते हैं, तो पूजा फेस्टिवल में बहुत सारे लोगों का काम, फाइनेंशियल ये सब जो इनकम है ये तो होता है। टर्नओवर भी अच्छा है, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ हो जाता है। समय मूर्ति का हिसाब से मिनिमम जो है फाइबर ग्लास के मूर्ति बनाने में 15 से 20 दिन लगता है मिनिमम, पूरा सेट, क्योंकि हम लोगों को कुछ इमरजेंसी भी करना पड़ता है। एक्चुअल क्या ना, फाइबर का मूर्ति एक बनाने में 1 महीना लगता है। बंगाल में ज्यादातर मूर्ति पूजा होता है बड़ा बड़ा पंडल में, इसके अलावा बिहार उड़ीसा में भी मूर्ति जाते थे, अभी क्या ले जाने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए वहां जाके कारीगर लोग खुद बना के आते हैं। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, यहाँ भी बंगाल का बहुत कारीगर जाते हैं। बेंगलोर में गणेश पूजा है, इसके बाद दुर्गा पूजा है, दुर्गा मूर्ति बना के आते हैं। कितना ऑर्डर मिल गया अभी तक आपको पूरा, अगर ऑर्डर हम लोग आवाज देखिए, हम 50-55 मूर्ति बनाते, इससे ज्यादा हमारे बनाने का क्षमता नहीं है, क्योंकि यहाँ जगह का भी जरूरत पड़ता है, इसलिए जो हमारे बॉस में रहता है उस हिसाब से 50-55 मूर्ति हम बनाते हैं। कितना रेडी हो चुका, अभी कितना जाने वाला है? अभी तो 14 मूर्ति चला गया, 6 मूर्ति जाने वाला है, 2 मूर्ति पैकिंग किया हुआ है, कल सुबह निकल जाएगा, आज रात में भी एक हो जाएगा, बाकी 4 मूर्ति जाएगा 2-4 दिन में। टूपाल कुमारटुली দেখুন, গত বছরে আমরা যে মূর্তির অর্ডার পেয়েছি তার থেকে এবছর বেশি, কেন 2022 ইউনেস্কো স্বীকৃতি পাওয়ার পর পুজোর সংখ্যাটা কিন্তু বিদেশে অনেক বেড়েছে, কেন আমরা প্রতি বছরই মূর্তি বানাচ্ছি, এই মূর্তিগুলো 2-3 বছর পুজো হয়। গত বছর আমি 14টা দুর্গা মূর্তি বানিয়েছিলাম অর্ডার পেয়ে, এবছর আমার কাছে 21টা অর্ডার এসছে দুর্গা মূর্তি, তার মধ্যে অলরেডি 14টা এখন জাহাজে মানে গমন করেছে, সেগুলো পৌঁছাতে হবে পুজোর আগে। ইউএসএ 6টা আছে, কানাডা আছে, ক্যালগেরি, জার্মান, স্পেন, ফ্রান্স, ব্রিটেন, বিভিন্ন জায়গায় আছে, এমনকি দুবাইতেও আছে, আর আপনার সিঙ্গাপুরেও আছে, সব বিভিন্ন দেশে যেখানে প্রবাসী বাঙালি এবং ভারতীয়রা থাকে তারাই দুর্গা পূজাটাকে একটা উৎসব করেই পুজো করে। এই অর্ডার গুলো আমরা অনলাইনে পেয়ে যাই, যে মূর্তিটা আমার এবছর যাচ্ছে সেখানে আরো অনেক বাঙালি পুজো দেখতে আসে, সেখান থেকে তারা নাম্বার নিয়ে ডাইরেক্ট অনলাইনে হোয়াটসঅ্যাপে আমার সঙ্গে কথা হয়, যোগাযোগ হয়, সেইভাবে তারা অর্ডার দেয়। অনেকে কলকাতায় ঘুরতে আসে, তারা এসে অর্ডার দেয়, অনেকে রিলেটিভ থাকে, তারা এসে অর্ডার দেয়, এইভাবে অর্ডার দেয়। তাহলেও এই কাজেও এখন অনেক মিডিলম্যান দালাল চক্র ঢুকে গেছে, কিন্তু আমরা কোনো মিডিলম্যানের সহায়তা ঠাকুর বানাই না, এটা একটা শিল্প, ব্যবসা নয়, শিল্পটা শিল্পর মতোই মানুষকে ভালো লাগলে তবে আমার কাছে আবার আসবে, সেই জন্য আমরা যে অর্ডারগুলো পাই সরাসরি পাই। এটা সুইজারল্যান্ড যাচ্ছে, প্রায় 1.5 লাখ টাকা মতো দাম, কিন্তু নিয়ে যেতে আরো 1.5 লাখ টাকা খরচা, প্রায় 3 লাখ টাকা মতো একটা খরচা পড়ে যায়, এর চেয়েও বড় মূর্তি আছে সেগুলো আরো বেশি খরচা পড়ে, 4 লাখ 5 লাখ বাজেট অনুযায়ী। মূর্তি আমি ম্যাক্সিমাম যে হাইটটা এবছর প্রথম পাঠিয়েছি 10 ফুটে, ঠাকুরটা 7 ফুট এবং চালচিত্র নিয়ে 10 ফুট, এটা হাইট হচ্ছে আপনার 5 ফুট মূর্তি এবং এর চালচিত্র নিয়ে 7.5 ফুট। শুনুন, প্রফিট না করলে তো আমাদের চলবে না, শিল্পর সাথে সাথে নিজের পেটটাও চালাতে হয়, কারণ আমার আন্ডারে প্রায় 17-18 জন লোক কাজ করে, তাদেরকেও কাজ দিতে হয়, তো প্রফিট তো করতেই হবে, কেন আমাদের এটা সিজনাল বিজনেস, 6 মাস ব্যবসা হয়, 6 মাস কিন্তু বন্ধ থাকে, তো সেই জায়গাটাকে কভার করতে হয় ডে নাইট করে। এখানকার পুজো আছে,
যেমন কলকাতা শহরের আশেপাশে সেখানেও মাটির ঠাকুর, টোটাল আমি 50 থেকে 55টা মূর্তি তৈরি করি, আর সবগুলোর মধ্যে প্রায় 20টা বিদেশে যায়, 35টা মতো এখানে পুজো হয়। এটা তো ভালো, দেখুন আজকে পুজো হলেই পুজোকে ঘিরে কিন্তু একটা উৎসব, আর উৎসব মানে বহু মানুষের এখানে ব্যবসায় টার্নওভার হয়, ব্যবসায় তাদের যেটা ব্যবসায় কি বলে টার্নওভার প্রায় 10 কোটি 20 কোটি 50 কোটিও হয়ে যায়। তো ব্যবসা ভালো হবে, পুজো যত ভালো হচ্ছে তত আপনার ব্যবসাও ভালো হবে, কারণ থিমের পুজো চল হওয়ার পর থেকে প্রচুর আর্ট কলেজের স্টুডেন্টরা কাজ করছে, প্রচুর লেবার কাজ করছে, তো সেই জন্য পুজোটা এখন একটা শিল্পে পরিণত হয়েছে। কারণ এই শিল্প পরিণত হওয়ার কারণ হচ্ছে নতুন নতুন জিনিস তৈরি হলে সেখানে শিল্পকেও দরকার হয়, শিল্প সৃষ্টি করতে প্রচুর কারিগরের দরকার হয়। আজকে যেসব স্টুডেন্টরা আর্ট কলেজ থেকে পাস করে আসছে তারা এই দুর্গাপুজো ফেস্টিভ্যালে তাদের একটা পরিচিতি আছে, সেই পরিচিতিটা কিন্তু আমরা বিভিন্ন দেশ বিদেশেও আমরা প্রচার করতে পারছি। মিন্টু পাল।